क्लास 9th बायोलॉजी में देखिए पहले हम लोग को कितना चैप्टर है। 1 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, 2nd सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, 3rd टिश्यू, 4th बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 5 व्हाई डू वी फॉल इन, एंड 6 नेचुरल रिसोर्सेज। हम इस नाते इसको दिखा रहे हैं आज क्योंकि हमको ये भी बताना है कि कौन सा हमको इस चैप्टर में से डिलीटेड पोर्शन है और हमको स्टडी नहीं करनी है। तो यहाँ तो पूरा साइंस का है, साइंस के बारे में देख लीजिए, ठीक है ना। हर साइंस के चैप्टर को बताया गया, जो 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 नहीं पढ़ना है वह यहाँ पर नाम दिया गया। यहाँ देखिए रिलेटेड पोर्शन लिखा है ना, तो इसी के बारे में है कि इन सबको हमको नहीं स्टडी करना है। हम बायोलॉजी पर बता देते हैं अपना कि बायोलॉजी में हमको डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ना है, फिर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, फिर आवर इन्वायरमेंट। तो हम लोग को बायोलॉजी में पूरे 6 चैप्टर हैं और 6 चैप्टर में से 3 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, मतलब इसमें से 1st चैप्टर नहीं पढ़ना है, 4 नहीं पढ़ना है और 6 नहीं पढ़ना है। फिर भी हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर दिए हैं, थोड़ा बहुत उसमें से बता देंगे हल्का फुल्का उसके बारे में, ठीक है। वैसे स्टडी उस चैप्टर को तो नहीं करना है हमको। देखिए कितने सारे इसके यूनिट हैं, व्हाट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, एक्री ऑफ कैटेगरी और ग्रुप, वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, प्लांट एनिमिलिया, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, नॉमनी कल्चर, ठीक है ना। इतना सारा है, इतने सारे में से हम लोग को कुछ भी नहीं पढ़ना है ऐसा, ठीक है। फिर भी आप लोग को कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देते हैं, चैप्टर के बारे में क्या है। इस चैप्टर में बताए भी थे वैसे हम, डाइवर्सिटी मतलब क्या मतलब होता है, भिन्नता होता है जो हमारे इन्वायरमेंट में अगल बगल जो भी एनिमल्स हैं प्लांट हैं उसके बीच में कैसे वेरिएशन होता है, क्या है, ठीक है ना। ये सब स्टडी करना होता है। और प्लांट जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी वर्ड को दिया था, यूज़ किए थे वाल्टर जी रोसन ने 1986 में, ठीक। कहाँ कहाँ कौन सा होता है ये सब क्लासिफिकेशन उसके बारे में, जनरल क्लासिफिकेशन और ये प्लांट क्लासिफिकेशन है। प्लांट क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें मेन दो होते हैं, एक होता है डू नॉट, प्लांट किंगडम जो होता है मेन दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला डिवाइड होता है क्रिप्टोगैमी में, दूसरा होता है फेंड्रोगैमी में। क्रिप्टोगैमी में डू नॉट सीड प्रोड्यूस, सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और फेंड्रोगैमी जो होते हैं वह सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्रिप्टोगैमी में दो पार्ट, डू नॉट हैव डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी, हैव डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी, इसमें थैलोफाइटा पढ़ना है। थैलोफाइटा में फर्स्ट होगा एल्गी के बारे में पढ़ना होगा, ब्रायोफाइटा, टाइटोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में 2 पार्ट्स होते हैं, मोनोकॉट, डाइकॉट, ठीक है ना। यही सब पढ़ना होता है इसमें, बट नहीं पढ़ना है तो आप लोगों को नहीं बताया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है, देख लीजिए, इस चैप्टर को हमको स्टडी नहीं करना है, ओके। अब हम इसके बाद शुरू करेंगे चैप्टर 5। व्हाई डू वी फॉल इन, ठीक, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, ओके। देखिए इसमें कितने कंटेंट हैं। व्हाई डू वी फॉल इन, हेल्थ एंड इट्स फेलियर, डिजीज एंड देयर कॉज, टाइप्स ऑफ डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन और वैक्सीन, ठीक है। इस चैप्टर में इतने टॉपिक पढ़ने हैं जो हम लोग आज नहीं कल शुरू करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। चैप्टर 5 पढ़ना है बस हम लोगों को, और आप लोग चैप्टर 2nd का और 3rd का नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, 1st और 4th तो पढ़ना नहीं है,